चीजें क्या है जो अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ होती है, अनकोऑर्डिनेटेड जब अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ होती है, मसलन हमारी बॉडी में एक जगह पे हमारे पास राउंडेड सेल चाहिए और वहां पे रेक्टेंगल सेल आ गया, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, और यहाँ पे मल्टीपल सेल जमा होने शुरू हो जाए, ये जो मल्टीपल सेल्स की जो ग्रोथ है विदाउट स्टॉपिंग या विदाउट आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा सेल है और किस जगह पे आके डिप्लॉय हो रहा है, इस किस्म की ग्रोथ को हम न्यूप्लेजिया कहते हैं। न्यूप्लेजिया क्या होता है, ट्यूमर सेल्स जो होते हैं, जो ट्यूमर यहाँ पे होते हैं, कैंसर जिसे कहते हैं, कैंसरियस सेल्स होते हैं। तो हमारे पास न्यूप्लेजिया क्या है, न्यूप्लेजिया ये है कि जिसके अंदर हमारे पास अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ हो और विदाउट स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस हो या ना हो लेकिन फिर भी ये अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ चलती रहती है, इस अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ को हम न्यूप्लेजिया कहते हैं। तो न्यूप्लेजिया जब भी आप लोगों के जाइन में आए या कभी भी आप लोगों से कोई पूछे कि न्यूप्लेजिया क्या है, तो ये एबनॉर्मल मास होता है और ये एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है जहां पे अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ स्टार्ट होती है, जिसमें हमारे पास जो अपने जो सेल्स होते हैं उनके साथ उसकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती। अगर किसी जगह पे एक सेल की जरूरत है वहां पे ये बनते रहते हैं 10,000 इस तरह बनाते रहते हैं, रुकते नहीं है। इस एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ डिविजन ऑफ सेल्स को हम न्यूप्लेजिया कहते हैं। तो न्यूप्लेजिया हमारे पास एबनॉर्मल डिविजन या अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स को न्यूप्लेजिया कहते हैं। हमारे पास दो किस्म की जीन्स होती हैं, एक होती है ऑन्कोजीन, ये आप लोगों के नाम दानिश में नहीं है, एक हमारे पास होती है प्रो ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन क्या होती है, जो हमारे पास कैंसर की तरफ जा रहे हो सेल्स उनको ऑन्कोजीन्स कहते हैं। हमारे पास ऑन्कोजीन्स जो होते हैं, अगर किसी बंदे में हमारे पास ट्यूमर है और वो ट्यूमर जो है वो हमारे पास स्प्रेड हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो सेल्स है हमारे पास लीडिंग कैंसर की तरफ जा रहा है। ऑन्कोजीन जो होती है वो हमारे पास लीडिंग कैंसर की तरफ लेके जा रही होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास ऑन्कोजीन्स में क्या क्या आते हैं, अगर एक पेशेंट है समझो उसके अंदर एक जगह पे ट्यूमर डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, वो ट्यूमर जो है उसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं कि एक पेशेंट है वो गाड़ी में ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, अगर इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा, अगर इस गाड़ी की ब्रेक फेल होती है और एक्सीलेटर दबा दिया जाता है तो ये गाड़ी जो है अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेक खत्म हो गई और स्पीड जो है वो ज्यादा हो गई, तो ये अपनी नॉर्मल स्पीड से जो है गाड़ी तेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये नॉर्मल स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, सॉरी, अच्छा जी, तो ये गाड़ी जो है अगर इसकी ब्रेक खत्म हो जाए और इसका एक्सीलेटर दबा दिया जाए तो गाड़ी जो है अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज चलना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो नॉर्मल स्पीड से तेज चलना स्टार्ट हो जाएगी, अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी तो इसका मतलब है कि गाड़ी किधर न किधर जाकर टकरा जाएगी। अगर इसी गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट हो जाए और गाड़ी के अंदर ब्रेक खराब हो और गाड़ी जो है अपनी ऑटोमेटिकली ब्रेक को ठीक करना स्टार्ट करे और ब्रेक को ठीक कर दे और एक्सीलेटर को कमजोर कर दे ताकि गाड़ी की स्पीड कम हो जाए और ड्राइवर जो है वो ब्रेक दबा के गाड़ी को रोक ले, ये जो गाड़ी को ब्रेक दबा के रोकेगा, ठीक हो गया, ये हमारे पर रोकना जो होता है ये हमारे पर कैंसर सेल्स की डिविजन या कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ होती है उसको हम रोकते हैं। अगर किसी गाड़ी में ब्रेक खराब हो जाए और एक्सीलेटर दबता जाए तो इसी तरह हमारे पर कैंसर में भी होता है। याद रखना माइंड में कि कैंसर में सिर्फ अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, रुकती नहीं है। तो कैंसर की अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स को रोकने की क्या करते हैं, फिर हम रेडियोथेरेपीज करते हैं, कीमोथेरेपीज करते हैं, ट्यूमर के मास को बाहर निकाल लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता एक बंदा है उसका यहाँ पे ट्यूमर मास बन गया है, वो क्या करेगा, यहाँ से एक्सीजन करके इसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ हो गई है यहाँ पे मास ऑफ सेल्स बन गए हैं अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ की, तो इस अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ की वजह से यहाँ पे मास डेवलप हुआ। इस मास को या तो कीमो करेगा या रेडियोथेरेपी करेगा। कीमो रेडियोथेरेपी का ये होता है कि ये उसके साइज को श्रिंक कर देते हैं। इनके अंदर हमारे पास दो किस्म की जीन्स होती हैं, एक P53
ट्यूमर जो जीन होती है, और एक हमारे पास आप लोग को मुख्तलिफ किस्म की जीन्स हमारे पास डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे p53 जीन्स हो गई, ठीक है, रेट ऑनको जीन्स हो गई, ठीक। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास सेल की ग्रोथ जो जीन्स होती हैं या हमारे पास प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स की जो जीन्स होती हैं, अगर वो जीन्स के अंदर हमारे पास उनको सिग्नल डीएनए की तरफ से आता है तो वो हमारे पास रैपिडली ग्रोथ स्टार्ट कर देती हैं। तो हमारे पास रैपिडली ग्रोथ डीएनए के अंदर होती है, ठीक है, डीएनए सिग्नल भेजता है हम फॉर एग्जाम्पल p53 को, और वहां पे वो सेल की डिवीजन को स्टार्ट कर लेते हैं, सेल की ग्रोथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर ये सिग्नल को मैं रोक लूं, p53 को इनहिबिट कर दूं या डीएनए को इनहिबिट कर दूं, तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, डिविजन नहीं होंगी। जब प्रॉपर ग्रोथ एंड डिविजन नहीं होंगी तो हमारे पास सेल का मास जो है वो अपनी एक खास मिकदार के ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो न्यूप्लेजिया के लिए याद रखना कि इसके अंदर ऑन्कोजीन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिर हमारे पास न्यूप्लेजिया के अंदर तीन किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। एक हमारे पास है प्री मैलिग्नेंट, एक हमारे पास है डिस्प्लेजिया, और एक हमारे पास है कार्सिनोमा इन सैटू सैटू, ठीक। जो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स होती हैं, प्री का मतलब पहले और मैलिग्नेंट का मतलब मैलिग्नेंसी से पहले, इसमें ऐसा होता है कि कोई भी किस्म की ग्रुप ऑफ कंडीशंस जो होती है वो प्री डिस्पोज हो रही होती है हमारे पास किसी भी डेवलपमेंट ऑफ कैंसर को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट की लोबुलर हाइपरप्लीजिया हो गया, ब्रेस्ट के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, अगर उन लोब्यूल्स के अंदर हाइपरप्लीजिया हो गया, मैंने पहले आप लोगों को चार टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ाई थी, एक होती है हाइपरप्लीजिया, एक होता है एट्रोफी, एक होता है मेटाप्लीजिया, और एक होता है हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लीजिया का क्या मतलब, हाइपर का मतलब ज्यादा, प्लीजिया का मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। जहां पर भी हाइपरप्लीजिया लफ्ज आएगा तो उसका यह होगा कि हाइपर का मतलब ज्यादा, प्लीजिया का मतलब सेल्स, तो हाइपरप्लीजिया सेल्स मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। एट्रॉफी श्रिंकेज ऑफ सेल, सेल का जो साइज होगा श्रिंक हो जाए, उसे हम एट्रॉफी कहते हैं। मेटाप्लीजिया क्या होता है, एक सेल जो है वो अपना एपिथीलियम चेंज करके दूसरे एपिथीलियम में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसोफेगस के अंदर स्क्वेमस एपिथीलियम है, और वो स्क्वेमस एपिथीलियम जो है वो कोलमनर में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास कैसे कोलमनर में चेंज होता है कि अगर एसोफेगस के अंदर स्टमक से एसिडिटी बार बार हमारे पास आ रही है ऊपर की तरफ, तो एसिडिटी के आने के साथ बार बार ऊपर आने के साथ हमारे पास जो एपिथीलियम जो स्क्वेमस एपिथीलियम नॉर्मल होता है एसोफेगस का, वो चेंज हो जाता है कोलमनर एपिथीलियम में। ये जो चेंज ऑफ एपिथीलियम होता है इसे मेटाप्लेजिया कहते हैं। चेंज ऑफ एपिथीलियम मेटाप्लेजिया, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स इज हाइपरप्लेजिया, डिक्रीज इन साइज ऑफ द सेल इज एट्रोफी, और हमारे पास इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, सॉरी इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल इज हाइपरट्रॉफी। एक साइज में अगर इंक्रीज हो हाइपरट्रॉफी, अगर नंबर में इंक्रीज हो तो हाइपरप्लेजिया, सेल श्रिंक हो जाए साइज एट्रोफी, मेटाप्लेजिया एक एपिथीलियम दूसरे एपिथीलियम में चेंज हो जाए इसे मेटाप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गई है, यहां तक सबको समझ आ गई है? यस सर। तो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स क्या है, जो मैलिग्नेंसी से पहले की जो लीजन्स होती है उसे प्री मैलिग्नेंट लीजन्स कहते हैं। हमारे पास अगर ब्रेस्ट के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, उन लोब्यूल्स के अंदर हाइपरप्लीजिया हो जाए, मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स हो जाए, तो ये भी हमारे पास प्री डिस्पोज करता है आगे जाके मैलिग्नेंसी की तरफ। तो ये जो ब्रेस्ट के अंदर लोब्यूल्स की जो हाइपरप्लीजिया होता है इसको प्री मैलिग्नेंट लीजन कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास अगर हम देख लें लिवर सिरोसिस, लिवर की सिरोसिस हो जाती है, वो आगे जाके हमारे पास
हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है। अगर एक पेशेंट है खुदा ना खास्ता उसमें लिवर सिरोसिस हो गई है और वो आगे जाके हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है, इसे प्री मैलिग्नेंट लीजंस कहते हैं। डिस्प्लेसिया किसे कहते हैं? एक सेल है, सेल जो जिसमें नो प्रॉपर डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, सेल जिसमें प्रॉपर ना डिफरेंशिएशन हो रही हो और ना मैच्योरेशन हो रही हो। एक सेल है जो प्री मैच्योर है, उसमें प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हो रही और वो जो है हमारे पास वो प्रॉपर डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पा रहा है। मसलन एक सेल है उसके अंदर मुझे चाहिए स्क्वेमस एपिथेलियल सेल और वो जो है इररेगुलर सेल्स बना रहा है और वो जो है उसको एक स्टिमुलस मिल रहा है बाहर से। अगर मैं स्टिमुलस को खत्म कर दूं तो डिस्प्लेसिया खत्म हो जाता है, अगर स्टिमुलस को खत्म ना करूं तो डिस्प्लेसिया चलता रहता है। लेकिन न्यूप्लेसिया में क्या होता है, उसमें स्टिमुलस हो या ना हो वो अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। डिस्प्लेसिया और न्यूप्लेसिया में सबसे मेन फर्क ये है कि डिस्प्लेसिया का अगर स्टिमुलस बंद कर दो तो डिस्प्लेसिया आगे फर्दर ग्रोथ नहीं करता। डिस्प्लेसिया के अंदर नो प्रॉपर डिफरेंशिएशन होती है और नो प्रॉपर मैच्योरेशन होती है। तो दो किस्म के काम होते हैं हमारे पास डिस्प्लेसिया में, कि नो प्रॉपर डिफरेंशिएशन एंड नो प्रॉपर मैच्योरेशन इन द साइज शेप एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सेल। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास डिस्प्लेसिया हो गया, ये हमारे पास प्री मैलिग्नेंट लीजन हो गई, वो न्यूप्लेसिया हो गया। कल मैं आप लोगों को इसकी आगे कैटेगरीज बताऊंगा कि न्यूप्लेसिया के अंदर कौन से मैलिग्नेंसी बेनाइन आता है और मैलिग्नेंट आता है, फिर बिनाइन में कौन कौन से ट्यूमर्स आते हैं और मेलेग्नेंट में कौन कौन से ट्यूमर्स आते हैं। ठीक हो गया? इससे पहले कल मैं आप में से एक बंदा जो मैंने हाइपरप्लेजिया मेटाप्लेजिया और डिस्प्ले जो पहले पढ़ाए थे उसके ऊपर एक बंदा मुझे कल खाम खा बताएगा कि वो हम सबको भी बताएगा और मुझे भी बताएगा। ठीक हो गया? तो कल कौन मुझे इसके बारे में बताएगा? मेल पिछली दफा सपना ने और उन्होंने की थी प्रेजेंटेशंस की, अभी मेल के साथ क्या हो मुद्दा आप करके बताओ। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर।